अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आपको पता ही होगा कि अगर आप मर जाओ और आपके पास लेवल्स हो तो सारी लेवल्स चली जाती और फिर वो वापस नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में उसी का मैं सलूशन लाया हूँ, एक नया एड ऑन जो आपकी लेवल स्टोर करके रखे और आपके मरने के बाद भी वो लेवल्स आपको दे देगा। तो बने रहिए वीडियो को, ज़रा सा भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम वही देखेंगे कि इसे डाउनलोड करना कैसे है। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा इस पेज की, वेबसाइट पे आ जाना। और याद रखना, एड ऑन से माइनक्राफ्ट के वर्जन 1.16.221 के लिए काम करता है। अब वो क्रिएटर की गलती, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ग्रीन लिंक पे क्लिक कर देना डाउनलोड के लिए। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना इस पेज पे, ब्लू लिंक मिल जाएगी, उस पे क्लिक कर देना। आप linkvertise.com पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको फ्री एक्सेस विद एड्स पे क्लिक करना है। फिर डिस्कवर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स का ऑप्शन आ जाएगा, उस पे क्लिक करके किसी भी एक आर्टिकल पे चले जाना। वहाँ पे उस आर्टिकल को लोड होने देना। फिर दो से तीन सेकंड वहाँ पे वेट करना, फिर वापस आ जाना। फिर एग्जिट बटन पे क्लिक करना। फिर आपको कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा, वेट कर लो थोड़ा सा। फिर बाद में फिर से एग्जिट बटन पे क्लिक करना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना और आप मीडिया फायर पे पहुँच जाओगे। मीडिया फायर लिंक पे पहुँचने के बाद उसको डाउनलोड करना है। फिर जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा, आपको जेड आर्चर ओपन कर लेना है। जेड आर्चर ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पर भी आपने फाइल को डाउनलोड कर रखा है। तो हम चलेंगे डाउनलोड फोल्डर में। फिर जहाँ पे वो फाइल, उस पर होल्ड करना है। फिर रीनेम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने का, .zip जो है .zip उसे कैंसिल कर देना है। फिर ओके पे क्लिक करना, फिर एक बार उस पर क्लिक करना, फिर व्यू के राइट वाली एरो पे क्लिक कर देना। तो फिर एरो पे क्लिक करने के बाद आपका जो है माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपको थोड़ी देर वहाँ पे वेट कर लेना जब तक आपके दोनों इंपोर्ट हो जाएंगे, पैक, रिसोर्स पैक और बिहेवियर पैक। तो अपना रिसोर्स पैक इंपोर्ट हो चुका है और याद रखना 1.16.221 के लिए ही काम करेगा। और बिहेवियर पैक भी इंपोर्ट हो चुका है। तो अपना माइनक्राफ्ट का वर्जन चेक करना मत भूलना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो जिस भी वर्ल्ड में आपको इसको खेलना है, आपको पहले उसके गेम के सेटिंग्स में जाना और एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन कर लेना है। फिर बाद में आपको लेफ़्ट साइड में बिहेवियर पैक में जाना है और लेवल स्टोरेज का बिहेवियर पैक को एक्टिवेट कर लेना है। फिर रिसोर्स पैक में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको मैन्युअली एक्टिवेट कर लेना है। फिर हम वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको रेसिपी सबसे पहले बताऊँगा लेवल ड्रेन की। लेवल ड्रेन जो होता है वो आपकी लेवल स्टोर करके रखे है। देख लो, 5 स्टोन लगते, 3 आयरन इंगट और 1 रेड स्टोन, और ये लेवल ड्रेन मिल जाएगा। और फिर लेवल इन्फ्यूज़र, जिससे आपको अपनी लेवल्स वापस मिलेगी, उसके लिए भी 5 स्टोन लगेंगे और 3 आयरन की जगह आपको लगेंगे 3 ग्लास। देख लो अच्छे से, आपको समझ जाएगा। 3 ग्लास रख देना और आपका जो लेवल ड्रेन है वो आपको मिल जाएगा। तो अब इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ से लेवल्स ले लेता हूँ अपने लिए। फिर अगर समझो, अगर आपको कहीं जाना है और आप नहीं चाहते लेवल्स गुम हो जाए, तो आपको लेवल ड्रेन के ऊपर खड़े हो जाना है और वो अपनी सारी लेवल्स रख लेगा स्टोर करके। फिर समझो अगर आप वापस आ गए और आपको लेवल्स चाहिए, तो लेवल इन्फ्यूज़र पे खड़े हो जाना और आपकी लेवल्स वापस आ जाएंगी। तो समझो अगर आपको कहीं पर जाना है जहाँ पर लेवल्स गुम होने का खतरा है, तो आपको बस यहाँ पर लेवल ड्रेन पर खड़े हो जाना है, लेवल स्टोर हो जाएगी। और अगर आप जहाँ पर भी जाते हो, अगर वहाँ पर मर भी गए, तो लेवल्स की तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो सेफली स्टोर है। तो समझो अगर आप मर गए, तो आप वापस आने के बाद अपने लेवल इन्फ्यूज़र पे खड़े हो जाना है और आपकी लेवल जो है वापस आ जाएगी, जितने भी आपने स्टोर कर रखी थी। तो ये जो एड ऑन था बहुत तगड़ा था, तो इसके लिए एक लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस लाने का आपके लिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी लेवल स्टोर करने के लिए एक जगह मिल जाए। मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में।